जय श्री राम दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय साधना मार्ग में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो दैवीय शक्तियां होती हैं या फिर जितनी भी सिद्धियां हैं वह साधक पर कब आती हैं, वह कौन सी स्थिति होती है जब यह सिद्धियां और दैवीय शक्तियां आप पर कृपा करने लग जाती हैं और आपके अंदर सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। तो दोस्तों आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। बहुत से साधक यह चाहते हैं, उनको यह जानकारी नहीं होती है कि यह सिद्धियां कब प्राप्त होती हैं, इनके लिए क्या करना पड़ता है, कितना भजन करना पड़ता है या फिर वो कौन सा मार्ग होता है जब यह शक्तियां एक साधक के अंदर प्रकट होती हैं। तो दोस्तों आप अगर इन सब बातों को जानना चाहते हैं और साधना मार्ग से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल विजय साधना मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमने अपने जीवन में अपने साधना मार्ग में जो अनुभव किए हैं, जिनसे हमने कई साधनाओं में सफलता प्राप्त की है, तो उन अनुभवों को हम आपको शेयर करते हैं जिनसे आप को बहुत लाभ मिल सकता है। दोस्तों सिद्धियां मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम लोग इन्हें मुश्किल समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए वह उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके लिए दृढ़ विश्वास नहीं होता और उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं होती, इस वजह से हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। जब साधक का भजन या राम नाम का जाप एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जैसे किसी साधक का कोई जाप चल रहा है, वो प्रतिदिन 1000 माला राम नाम की जाप करता है, 72000 का जाप वह प्रतिदिन करता है, हमारे शरीर में 72000 सांसें चलती हैं और ऐसे ऐसे साधक हमारे इस भूमंडल में आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो यहां नहीं पाए जाते, वो हिमालयों की कंदराओं में पाए जाते हैं, जो अपनी एक एक सांस पर भजन कर लेते हैं, हर सांस पर वो भजन कर लेते हैं, एक दिन में वो 72000 तक का छाप कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया है, भोगों से अपने आप को बहुत दूर रखा है, इस दुनिया में जितनी भी उनके मोह ममता के फंदे हैं उन्हें जड़ से समाप्त कर दिया है, यहां तक कि उन्होंने अपने आप को मिटा दिया है, जब जाकर उन्हें यह स्थिति प्राप्त होती है। जब साधक का भजन उस चरम सीमा पर पहुंच जाता है जहां पर पहुंचने पर उसके अंदर ईश्वरीय गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं, उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों कम हो जाते हैं और सतोगुण की वृद्धि होने लग जाती है, और उसके अंदर जब हर प्रत्येक इंसान के प्रति उसका भला करने की भावना आती है, हर जीव के प्रति वह अपने आप को नौछावर करने की उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है, यहां तक कि वह अपने उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मिटाने के लिए तत्पर रहता है, तब उसके अंदर यह दैवीय शक्तियां यह सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं। जब किसी साधक के अंदर भगवान श्री राम का स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे हम जो योगी पुरुष हैं इनके लिए यत्न करते हैं, जो मुनि हैं इनके लिए वो तपस्या करते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं और इस संसार के भोग विलासों को त्यागते हैं, हर तरह से वह अपने आप को उस ईश्वर के काबिल बनाने की हर पल हर मिनट हर क्षण वह कोशिश करते रहते हैं कि कहीं मेरे राम मुझसे रूठ ना जाए, कैसे मेरे राम मुझसे खुश हो, वो हर वह प्रयत्न को करता है, यहां तक वो अपने दिन रात के खाने को छोड़ देता है, अपनी नींदों का त्याग कर देता है, यहां तक कि वो अपने आप के उसके अपने शरीर की खबर नहीं रहती कि वो कहां बैठा है, क्या कर रहा है और कुछ कैसे उसका जीवन चल रहा है। दोस्तों हमारे गुरुजी ने एक हमें बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष के बारे में बताया था, जिनका नाम सिद्ध श्री भोला बाबा है, उनकी समाधि स्थली सरवारे खेड़े में है, उनका बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह जब साधना करते थे, वह गुरु मंत्र का जाप करते थे, जब वह किसी
कुटिया में या फिर किसी झोपड़ी में बैठते थे, तब वह अपना जाप करते थे तो उनको वह झोपड़ी एक विस्तृत संसार का रूप ले लेकर दिखाई देती थी। उनके कानों के अंदर दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लगती थी और उनको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते थे कि वह उनको ना जाने कभी उन्होंने देखा होगा ना कभी सुना होगा। उनके अंदर वो शक्तियां प्रकट हो गई थी जिनसे वह हर इंसान के मन की बात जान लेते थे। यहां तक कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सिद्ध साधक आज भी मौजूद हैं जिन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए अपने आप तक को मिटा दिया है। यहां तक कि उन संत सिद्ध पुरुषों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जब अपना साधना काल में थे तब उन्होंने एक वर्ष के लिए भोजन का त्याग कर दिया था। उनका दिन दिन वो दिन सूखता जा रहा था लेकिन भजन बल के प्रभाव से उनका आत्मबल मजबूत होता जा रहा था, जिससे उनके स्थान के अंदर उनके क्षेत्र में जितनी भी दैवीय शक्तियां थी वह उनके चक्कर काटने लगी थी और जितनी भी सिद्धियां थी वह उनके हर पल आसपास फटक रही थी और उनके अंदर तरह तरह की सिद्धियां प्रकट हो रही थी। उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया था। जब उनका चाप चरम सीमा पर पहुंच गया था, जब उनका चाप करोड़ों में हो गया था, तब उनके अंदर वो शक्तियां आई थी जैसे कि वह छह छह महीने तक किसी भी समाधि स्थल में रहते थे, जैसे कि उन्हें समाधि दे दी जाती थी। छह छह महीने तक वह उस समाधि में ही बने रहते थे और वह जैसे ओले का जब पड़ते थे तो वह ओलों को अपने खेत में गिरवा लेते थे। ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किए थे जिनका बखान हम अपनी जुबान से नहीं कर सकते। उनके बारे में अगर हम थोड़ा भी कहेंगे तो उनके चरित्र की हमसे बहुत बड़ी निंदा होगी, क्योंकि थोड़े से उनका काम नहीं होता। वह सर्वज्ञ थे। जब इंसान राम नाम का जाप चरम सीमा तक कर लेता है तब वह अपना अस्तित्व मिटा देता है, वह अपने मैं को मिटा देता है, वह अपने आप को देता है। फिर उसके अंदर वो ईश्वरीय शक्तियां आती हैं। भगवान भी उसे ही अपनी शक्तियों का दायित्व देते हैं जो उन्हें निभा सके। जब वो उस क्षेत्र में पहुंच जाता है, उस स्थान पर पहुंच जाता है, उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो सारी सिद्धियां, सारे गुण और जितने भी दैवीय शक्तियां हैं वो उनकी चेरी बनकर उनकी सेवा करती हैं। लेकिन हर चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, हर तरह से मजबूत होना पड़ता है, जब जाकर हमें दैवीय शक्तियां मिलती हैं। आप ये सोचें कि आप 10-11 दिन का साधना संकल्प लेके 1-2 लाख श्री राम नाम का जाप कर ले, क्या आपके अंदर वो सिद्धियां आ जाएंगी? क्या आपके अंदर वो शक्तियां आ जाएंगी? क्या आपके अंदर वो 8-9 सिद्धि आ जाएंगी से आप इन पराशक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? बस एकमात्र मार्ग है इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने का, इन सब शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का, राम नाम का जाप। राम नाम के जाप में वो भुवन पावनी शक्ति मौजूद है जो अपने साधक के लिए कल्प वृक्ष का काम करती है। अपने साधक को जो साधक चाहता है वो अपने साधक को वो पल भर में दे देते हैं। यहां तक कि मेरे राम जी तो अपने भक्तों के लिए अपने आप की भी परवाह नहीं करते हैं। आप एक बात बताओ, क्या केवट ने कौन सी तपस्या की थी? क्या विराट राक्षस ने कोई तपस्या की थी? वो तो सीता जी को हर के ले गया था, फिर भी हमारे राम जी के बाण ने उसका बद किया था और उसको भी मोक्ष प्राप्त किया था। हमारे राम जी का एक ही उद्देश्य है, उनका एक ही उनका दृढ़ निश्चय है कि जो जैसा है उनके पास वैसी अवस्था में आ जाए वो बस उसके हो जाते हैं। वो इसके लिए अपना तन मन नौछावर कर देते हैं, वो अपने उसके लिए खुद उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जब साधक अपने ईश्वर के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन भोगों को छोड़ता है, खाना पीने को छोड़ देता है, तब वह ईश्वर उस साधक के पीछे पीछे लग जाते हैं कि कहीं मेरा साधक भूखा ना सो जाए, कहीं मेरा भक्त भूखा ना सो जाए। अगर मेरा भक्त भूखा सो गया तो मेरे प्रभु श्री राम भी खाना नहीं खाते हैं। दोस्तों, मेरे श्री राम जी में वो सामर्थ है, उनके अंदर वो गुण थे कि उन्होंने भीलनी कितनी नीच निकृष्ट जाति और वह वर्ण से भी स्त्री, जो कि स्त्री को कितनी भी नीचे जो योनि में कहा गया है, फिर भी उन्होंने भीलनी के झूठे बेर खाए। मेरे प्रभु श्री राम भक्ति पर लुट जाते हैं, भक्ति पर वो अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं। और ये शक्तियां तो छोटी मोटी चीज हैं, यहां तक जब आप नाम का जाप करते हो तो नाम ही आपके अधीन हो जाता है, तो ये शक्तियां तो उनकी दासी हैं, उनकी सेवा करती हैं। जब आप तन मन नौछावर कर उस प्रभु का स्मरण करेंगे, उस प्रभु को याद करेंगे, उस प्रभु के लिए अपने आप को मिटाएंगे, तो वो प्रभु
थ्रू आप पर कृपा करकर जो आपकी तीव्र इच्छाएं होंगी उन्हें पूरी करते जाएंगे और आपकी हर मनोकामना की वो पूर्ति करेंगे। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास पहाड़ उखाड़ कर फेंक देता है, समुद्र को सुखा देता है, यहां तक कि विश्वास से आप कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। हमारी काम वासना है उसे विश्वास के बलबूते आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे इंसान के अंदर से काम वासना की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वो बातें जिनसे जब साधक उस चरम सीमा पर पहुंच जाता है उसके अंदर यह दैवीय शक्तियां आती हैं, उनके उसकी रक्षा के लिए यह सिद्धियां उसकी गुलामी करती हैं और उसकी 24 घंटे रक्षा करती हैं। लेकिन जो उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इन सिद्धियों को, इन सब को एक तिनके की भांति त्याग देते हैं, जब जाकर वो सिद्ध कहलाते हैं। दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जो आपको किसी और भी वीडियो में या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। इन्हें तो आपको वही बता सकता है जिन्होंने खुद अनुभव किया होगा, जिन्होंने अपने आप को मिटाया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी वीडियो आते हैं उन्हें अपने दोस्तों में, अपने घर में और अपने रिश्तेदारों सभी में शेयर कीजिए, जिससे हमारा बीजे साधना मार्ग एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बने, जिससे आप हमारे इस भूमंडल में जितने भी साधक हैं वह साधना करना चाहते हैं वो इससे लाभ ले सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों।